तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है। तो फाइनली इस फ़ोन के अंदर जो है गूगल इफेक्ट भी लॉक लग गया है। तो इस फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट किया गया था। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद पुराना वाला पैटर्न या पुराना वाला जीमेल मांग रहा है। तो सबसे पहला काम है वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने इसको वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके इसको आप सेटअप करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन में पुराना वाला पैटर्न मांग रहा है। तो ये कस्टमर को पता नहीं है, ओके। तो हाल फिलहाल में इस पैटर्न को पता होना चाहिए, नहीं तो आपका इसका जो जीमेल आईडी था वो पता होना चाहिए। तो दोनों कस्टमर को पता नहीं है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ हो गया है। तो हाल फिलहाल में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस FRP को किस तरह से आपको रीसेट करना है, बाईपास करना है, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आपको कुछ मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे पहला काम है आपको इमरजेंसी कॉल में जाना पड़ेगा। इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद एक कोड डायल करके चेक करना पड़ेगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाल फिलहाल में देख सकते हैं इमरजेंसी हमारा काम तो कर रहा है, लेकिन टच में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो एक बार फिर से हम बैक करके एक बार दिखाते हैं इमरजेंसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार आप ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी कॉल ओपन हो चुका है, *#0*##* दबाना है। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। इतना सा काम हो जाने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। तो देखिए पीसी की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहला काम है इस टूल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप एंटी वायरस वगैरह को बंद कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो हाल फिलहाल में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ। और फोन हमारा सिंपली USB से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको अगेन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं USB लगाने के बाद यहाँ पे पोर्ट शो करना चाहिए और ड्राइवर वगैरह की इंस्टॉल वगैरह कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ किया है, उसके बाद ही आपको कम्प्लीटली वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इमरजेंसी में क्लिक करते हैं। इमरजेंसी में क्लिक करने के बाद ये कोड को आपको डायल करना है। तो इस तरह से आपको रहने देना है, ओके, ये मांगेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, रन के ऊपर क्लिक करना है। और ये पोर्ट आपका शो नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो रन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग मोड को ओपन करने के लिए बोल रहा है। ऑलरेडी मैंने करके रखा है वो *#0*#। तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, टिक लगा के इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आगे का जो काम है ये टूल खुद ब खुद करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सेटिंग ओपन करेगा, ऑटोमेटिकली जो है इसका FRP बाईपास करेगा, ओके। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। तो इस टूल को सिर्फ आपको डाउनलोड करके इंजॉय करना है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा रिबूट हो रहा है, मतलब इस फ़ोन का FRP बाईपास हो चुका है। अब USB को निकाल सकते हैं। निकाल देने के बाद आपका थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, सेटअप करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस टूल की मदद से करेंगे। अगर आप बाईपास करना चाहते हैं तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है। तो टाइम सेव होने की वजह से मैंने ये आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेटअप होने में कुछ टाइम लगता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है थोड़ा सा स्लो चलता है, आप लोगों को पता है। और ये फ़ोन तो थोड़ा सा ओल्ड भी हो गया है इस वजह से, ओके। तो दोस्तों इस तरह से आपको FRP को बाईपास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो